अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे फ्लूइड फ्लो। फ्लोइंग फ्लूइड जो है वो उसकी बहुत इम्पॉर्टेंस है, मींस के फ्लूइड डायनामिक्स में। अब फ्लूइड डायनामिक्स में फ्लूइड्स का बिहेवियर फाइंड आउट करने के लिए जो है उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है फ्लूइड को, जब वो किसी पाइप में से जो है वो पास ऑन कर रहा होता है। अब फ्लूइड जो है उसकी मोशन दो तरह की हो सकती है, या तो स्ट्रीमलाइन होती है या टर्बुलेंट होती है। तो आज हम इन दोनों टर्म्स जो है उनको डिफाइन करेंगे। पहले है स्ट्रीमलाइन फ्लो। ऐसी फ्लो है जिस उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो कहा जाता है, जिसमें हर आने वाला पार्टिकल उसी पाथ को फॉलो करे जिससे एग्जैक्टली पहले पार्टिकल जो है वो पास ऑन कर चुके हों। द फ्लो इज सेट टू बी स्ट्रीमलाइन आर लैमिनर इफ़ एवरी पार्टिकल दैट पासिस अ पार्टिकुलर पॉइंट मूव अलॉन्ग एग्जैक्टली द सेम पाथ एज फॉलोड बाई पार्टिकल्स विच पास दैट पॉइंट अर्लियर। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, लैमिनर फ्लो क्या है? एक ऐसा फ्लो है जिसमें हर पार्टिकल उसी पाथ को फॉलो करे जिससे उससे पहले पार्टिकल्स जो हैं वो पास कर चुके हों। नेक्स्ट मीन्स कि ये जो है फ्लो, इसमें स्ट्रीमलाइन जो हैं वो बिल्कुल जो हैं वो पैरेलल होंगी, ठीक है? कोई भी स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। इन दिस केस ईच पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड मूव अलोंग अ स्मूथ पाथ कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। ये जो पाथ होता है इसका, इसको स्ट्रीमलाइंस कहा जाता है, और कोई भी दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इस कंडीशन को इस वजह से स्टेडी फ्लो भी कहा जाता है। द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीमलाइन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। स्ट्रीमलाइंस जो है उनकी डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड को शो करवा रही होती है। अब दूसरी फ्लूइड की जो फ्लो है वो होती है इरेगुलर और अनस्टडी, उसे कहा जाता है टर्बुलेंट फ्लो। द इरेगुलर आर अनस्टडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है? ये रैंडम होगा। फॉर एग्जांपल इसके लिए आप जो है जब कोई पत्थर मारते हैं किसी भी पानी में, ठीक है, किसी टब है पानी का या किसी पॉन्ड में, तो वहाँ पर जो है वो स्ट्रीमलाइंस बिल्कुल स्कैटर्ड हो जाती हैं, इरेगुलर होती हैं, अनस्टडी होती हैं, तो ऐसे फ्लो को कहा जाता है टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट आगे है हम करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे फ्लूड, आइडियल फ्लूड की, ठीक है? आइडियल फ्लूड के लिए जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखें। द फ्लूड जो है वो नॉन विस्कस होना चाहिए, मींस कि उसमें कोई इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन विस्कस होना चाहिए, मींस के दो एडसेंट लेयर्स जो हैं उनके दरमियान कोई फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नहीं होगी। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये इनकम्प्रेसिबल होगा, मींस के डेंसिटी जो है वो थ्रू आउट द फ्लूड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। थर्ड वन है कि फ्लूड की जो मोशन है वो स्टेडी होगी, यानी स्ट्रीमलाइन मोशन होगी।